दोस्तों, हम लोग अभी तक बैठे हुए थे सेटअप पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज हम लोग बनाएंगे दाल का दुल्हा। शायद आप लोगों ने सुना जरूर है, लेकिन दाल को दुल्हा बोलते हैं। दाल के फरे, वो भाप वाले फरे नहीं, वो वाले फरे जो दाल में बना करके डाल के बनाया जाता है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये रहे हमारे कैमरा मैन मैं इनका कैमरा मैन और ये मेरे कैमरा मैन। तो आज हमारे कैमरा मैन साहब ही बताएंगे। देखिए, छोटा कुकर है 8 लीटर का और हम लोग इसी में बनाएंगे दाल का दूल्हा। ऐसे दिखा रहे हैं, वैसे गलत हो जा रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में। तो आए किचन में घुसी, किचन में घुसने के बाद में बर्तन वर्तन सब ऐसा लग रहा है जैसे लगा रहे फोड़ रही है। और सबसे पहले पानी टोटी खोली नहीं, और पानी टोटी खोलना होगा था कि नहीं? नहीं, तो नहीं होगा। नहीं, हम लोग हाँ, इसलिए हम लोग नहीं खोल पाए थे। उसके बाद कुकर चढ़ा दिया जाएगा गैस पे। हाँ हाँ आराम से भैया, बस एक पानी गिर के डालिए अपने स्वाद अनुसार, जितना रखें। स्वाद तो नमक अनुसार डाला जाता, नमक स्वाद के अनुसार डाला जाता। पड़ेगी दाल, क्या सोच रहे हो? किचन बहुत बड़ा है, अब हम लोग लड़के हैं तो क्या करेंगे, अभी किचन तो बड़ा ही रखेंगे। अब दाल देखिए भाई साहब, इतनी दाल है। हमारे कैमरामैन अपने हिसाब से डालिए, हमारे कैमरामैन अपने हिसाब से दाल डालिए। वाह, हाँ मैं हमारे कैमरामैन अपने हिसाब से दाल डालिए। दाल को कृपया करके अच्छे से ना धोएं, अगर आप अच्छे से नहीं धोएंगे तो टेस्ट आएगा। बस हो गया, दबंग चुलबुल सर हो गया। दाल हमारी चली गई कुकर में। कुकर में? हाँ कुकर में। देखिए हम लोगों ने दाल जो है कुकर में डाल दी है। बर्तन तो मत्ता खड़वा बोल ना डाल रहे हो, बर्तन बेचारे। हल्दी कंपलसरी है, हल्दी एंटीबायोटिक नहीं होती है, आप लोग तो जानते नहीं है। देखिए यह हल्दी आप लोग को तो पता नहीं होगा। नहीं भाई साहब, ये क्या है? ये सिंदूर। बस भैया बस, हल्दी कोई नुकसान नहीं करता है, खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। किसी भी चीज़ पर लिमिट से ज़्यादा भर लोगे तो कहाँ से जाएगा वो, फिर जान लो खुद ही। ये नमक आपने तो कभी खाया नहीं होगा। ये रहा नमक, देखा नहीं होगा आप लोगों ने, मैं दिखा दे रहा हूँ। तेल अभी कहाँ डालो? नहीं अभी नहीं डालो, छौंकना लगी है। छौंकना लगी है। ये रहा कुकर का ढक्कन, इससे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं। देखिए ढक्कन का अर्थ बहुत सारा होता है, हर ढक्कन का अपना स्थान अलग अलग है। इसी से हम लोग पबजी में खेलते हैं। ये फिलहाल में कुकर का ढक्कन है, किसी और चीज का ढक्कन नहीं है।
उसका उसका जिसका आप समझ रहे हो उसका ढक्कन तो कतई नहीं है। हम लोग का दाल अगले पकता रहेगा। और भैया यहाँ आटा लगना शुरू हो गया है और आजकल आटा से महंगा डाटा, डाटा से महंगा आटा, दोनों साले आपस में टक्कर ले रहे हैं। आप लोगों ने पिसान तो देखा नहीं होगा। नहीं हमने देखा नहीं है पिसान। का है भैया हमका लग रहा पाउडर आयो है, हमका लग रहा पाउडर है। चलो ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ आपका हम आगे बाकी रिपोर्ट हम दिखाए रहे हैं। आटा चुका है लग दुल्हा की हुई तैयारी। जो आटा लगा रहा था वो बहुत थक गया है बेचारा, थोड़ा सा पानी पी लो भाई, रखा हुआ भाई। जो मेरा कैमरामैन है वो बनाएगा नया नया दुल्हा का निर्माण करेगा, पैदा करने जा रहा है दुल्हा। शादी भाई ने पैदा कहां से कर लिया। तो आप लोग देखिए अब ये पैदा करेगा दुल्हा। हमारा काम था आटा लगाना, हमने आटा लगा दिए, अब दुल्हा अपना बनाया है। ओके ओके चला हमने। देखिए दोस्तों अब जो है कि दाले में दूल्हा बनाना तैयार कर दिया स्टार्ट। अब देखिए बनाना स्टार्ट हो गया। देखिए काट रहा है कैसे, तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। और देखिए अब हम उधर से बना रहे हैं ताकि और बेटर दिखे। तो ये देखिए भारत का नक्शा बना के रखते हैं, ज़्यादा परसा ना लगाना। तो जो है सो के ये दूल्हा बनाना चालू कर दिया। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। देखिए इसी पे चला है दाल में दूल्हा बनाने। रोटी तो बन नहीं रही, दूल्हा क्या बनाएगा ये। देखिए ये है, तो अभी आप लोगों को पास से दिखाएंगे जो दाल का दूल्हा बना था कैसे बना था ये। तो देखिए आप लोग ये रहा, देखिए कैसे बना रहा ये। हाँ ये ले तीन बनाओ, तीन ही में बढ़ो, तीन में ही। तो ये रहा दाल का दूल्हा बनना, आप लोग को दिखा दिए। खाए तो होंगे नहीं आप लोग, खाए तो होंगे नहीं। ये देखिए यही बना रहा है दाल का दूल्हा जो है, आ उधर रखी जा रही है। देखिए उधर तो हमारे दूल्हे हो गए हैं तैयार, हमारे दूल्हे हो गए तैयार। अब दूल्हे तैयार होने के बाद में उसमें जा रहा है थोड़ा सा अचार, क्योंकि दूल्हा को खट्टा ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए ढक्कन खुल रहा है, ढक्कन खुलने के बाद में चमची से नहीं निकाला जाएगा, कटोरी में थोड़ा सा निकाला जाएगा। देखिए दोस्तों तो हम लोग ये दूल्हा में डाल रहे हैं और ये आप लोग अपने अगर होगा घर में तो स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। ये हो गया चार, अब जा रहा है घिया। घी अंदर रखे हो ये लीजिए, घी आ गया। देखिए दोस्तों ये रहा घी जो कि हम लोग इसे डालेंगे। हम लोग खाते हैं घी, तुम लोग खाते हो डालडा। ये देखिए
बस बहुत है। घी डाल दिए, अब इसमें जाएंगे दुल्हे राजा और हम लोग इसको जो है कि फाड़ के डाला जाएगा कच्चा कच्चा। अब ये रहा दुल्हा हम लोग इसमें डाल देंगे। और ये दुल्हा को हम लोग इसमें दुल्हे में पहना दिए। तो दोस्तों हमारे दुल्हा हो गए यहाँ से ख़त्म। अब आगे के दुल्हा बनाने के लिए तैयारी होने जा रही है। ढक्कन पीछे, कुकर के पीछे। हम लोग चल रहे हैं फिर से दुल्हा बनाने। दुल्हा डाल दिए, दुल्हन भाग गए दुल्हा रहेगा। दुल्हा बेचारा आग में जल रहा है दुल्हन के चक्कर में। यहाँ हमारे दाल के दुल्हे बनके तैयार हो गए। ये देखिए, ये है दाल के दुल्हे, ये देखिए, और एकदम ताज़ा ताज़ा बना है। तो भाई खा के बताइए कैसा बना है। भैया खा के बताइए हमारी पब्लिक को कैसा बना है। हाँ हाँ हाँ, गरम गरम टॉप लल। हम लोग खाना शुरू कर दिए हैं तो मजा आ रहा है। स्वाद A1, एक नंबर का स्वाद बनाए हैं। अब पास में होते तो कहते भी आके भाई खा लो। आप लोग बनाकर टेस्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा बना था, कैसा बना आप लोगों का। हम लोग का है जो बहुत बेटर बना और मजा आ गया खा के। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए। किसी के साथ में हम लोग अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। गुड नाइट।